अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम्स बरकत किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, आज हम आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चना मसाला की रेसिपी बताने जा रहे हैं। चलिए तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। पनीर चना मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चने चाहिए। इन्हें हमने खूब अच्छे से वॉश करके रात को ही भिगो दिया था। अगर आपको डिनर के लिए बनाने हैं तो फिर आप मॉर्निंग में इन्हें भिगो दें। हम लंच के लिए बना रहे हैं, पहले खूब अच्छे से वॉश कर लें और फिर इन्हें भिगोने के लिए रख दें। पनीर चना मसाला में हम डालने वाले हैं, ये पनीर लिया है, ये हमने 250 ग्राम लिया है, इसको हमने स्क्वायर पीसेज में कट किया हुआ है। दो मीडियम साइज की हमने अनियन ली है, इन्हें भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक कट किया हुआ है। 250 ग्राम ही हम कर्ड यूज कर रहे हैं दही। इसके अलावा ये हमने चना मसाला लिया है, आप कोई भी ब्रांड का चना मसाला यूज कर सकते हैं। हमने ये होममेड चना मसाला डाला है इसके अंदर। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ये हमने 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1.5 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून क्यूमिन लिया है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। सबसे पहले हमें चनों को एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल लेना है। ये जो छोलों के ऊपर का पानी है ये हमें बिल्कुल फेंकना नहीं है। इसके पानी के अंदर हमने छोलों को भिगोया था, यही पानी लेना है क्योंकि सारी जो ताकत है छोलों की वो इस पानी के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए आप अच्छे से बहुत वॉश करके ही छोलों को भिगोएं ताकि आपको फिर दोबारा से इन्हें वॉश ना करना पड़े। ये हमने छोले प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसे गैस के ऊपर रख रहे हैं। गैस की फ्लेम को हमने हाई ऑन कर दिया है। छोलों को हमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। अब हमें इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दें। सॉल्ट डालने के बाद हमें पानी इसमें थोड़ा कम लग रहा है तो हम हाफ ग्लास वाटर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये हमने हाफ ग्लास वाटर इसके अंदर ऐड किया है। अब हमें कुकर को कवर कर देना है और हमें छोलों के अंदर 5 से 6 प्रेशर लगा देने हैं। पनीर चना मसाला बनाने के लिए हमने कढ़ाई का यूज किया है। छोले हमारे प्रेशर कुकर के अंदर हमने प्रेशर लगाने के लिए रख दिए हैं। इतनी देर में हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हमने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल यूज किया है हमने। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। हाई रखना है फ्लेम को, अभी ऑयल को गर्म होने देना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमें इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा गोल्डन कर लेना है, ज्यादा तेज नहीं करना है। प्याज हल्की हल्की से पिंक होनी शुरू हो गई है, अब हमें इसे निकाल लेना है। अब हम इसी ऑयल के अंदर पनीर फ्राई करेंगे। आप चाहें तो पहले ही खाली ऑयल के अंदर पनीर फ्राई कर सकते हैं। लाइट गोल्डन हुई प्याज को हमने निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर पनीर डालकर पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चार से पांच मिनट लगेंगे पनीर को फ्राई होने में। पनीर हल्का हल्का फ्राई हो गया है, अब हमें इसे निकाल लेना है। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, उससे टेस्ट खराब हो जाता है। बस हल्का हल्का सा ही गोल्डन करना है हमें पनीर को, कि इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। अब हमें वापस कढ़ाई के अंदर वही प्याज डाल देनी है जिसे हमने लाइट गोल्डन किया था। इसके बाद हमें जीरा ऐड कर देना है। जीरे को भी हल्का सा गोल्डन होते ही फौरन इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें। फ्लेम को हमें लो रखना है ये सारे काम करते हुए, क्योंकि फिर उससे हमारी प्याज जो है वो ज्यादा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी।
अब हमें ये चना मसाला और रेड चिली पाउडर जो है ये इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स कर देना है इसे। अब हमें फौरन ही इसके अंदर ये सारा दही डाल देना है। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे हम ताकि ये दही क्लियर हो जाए। अब इसे दो से तीन मिनट के लिए अच्छे से पकने दें। फ्लेम को लो ही रखें, हाई ना करें। उसे तीन मिनट लो फ्लेम पे हमने खूब अच्छे से मसालों को भून लिया है और इसपे सारा ऑयल ऊपर आ गया है, यानी अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। जब छोले हमारे रेडी हो जाएंगे तो हमें इस मसाले के अंदर छोलों को ऐड कर देना है। 5 से 6 प्रेशर लगा दिए हैं। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और चेक कर लेना है चने गल गए हैं या नहीं। चनों को हमें चेक कर लेना है, चने खूब अच्छी तरह से गले हुए चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, चने खूब अच्छी तरह गले हुए हैं। हाथ से भी आप ट्राई कर देख लें। ये देखें बहुत परफेक्ट गले हुए होने चाहिए, थोड़ी भी कसर ना हो चनों में, क्योंकि अच्छे नहीं लगते, थोड़े कच्चे रह जाते हैं चने। तो चने हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत बढ़िया गलकर तैयार हो गए हैं। इधर मसाला भी रेडी है। मसाले के नीचे हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, हाई रखेंगे अभी हम। अब हमें चनों को मसाले के अंदर डाल देना है। सारे चनों को मसालों के अंदर डाल दें और मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर दें। चनों के अंदर जो पानी हो उसे भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। चनों का जो पानी हमने इसके अंदर चनों में ऐड किया है, उस पानी को हमें खूब अच्छे से भून लेना है। हाई फ्लेम कर भून लें इस पानी को। नमक को आपको चख लेना है, अगर आपको हल्का लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब हमें छोलों के अंदर पनीर ऐड कर देना है। और खूब अच्छे से हमें इसे भून लेना है हाई फ्लेम कर। देखें फ्रेंड, छोले हमारे खूब अच्छी तरह से भुन गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है, छोले बिल्कुल रेडी हैं। पूरा घर माशाल्लाह खुशबू से महक रहा है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये चना मसाला। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब हमारा पनीर चना मसाला बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। इंशाल्लाह आपको भी जरूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।